देख रहे हैं टीवी हंड्रेड, मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी। आइए करेंगे खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल है उनकी बदहाली तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक और मामला जिला महिला अस्पताल का सामने आया, जहां पर सहारनपुर में जिला महिला अस्पताल से नवजात बच्ची चोरी हुई है। ये मामला सामने आया तो पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल है। थाना जनकपुरी पुलिस और सीएमओ मौके पर मौजूद है। अस्पताल से पहले भी कई बार बच्चे चोरी हो चुके हैं। ऐसी बड़ी लापरवाही के मामले पहले भी कई बार इस जिला महिला अस्पताल से सामने आ चुके हैं। तो अस्पताल के कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। बच्चा चोरी होने की घटना से जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने कहा है कि जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सीएमओ किस हिसाब से जांच करेंगे? जब सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे पता लगा पाएंगे कि बच्चा किसने चोरी किया है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी पर, जहां पर सहारनपुर से ये मामला है, जिला महिला अस्पताल में नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया। तो दीपक तिवारी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये पूरा मामला जानना चाहेंगे जो बच्चा चोरी का मामला हुआ। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर बलसवी गांव पड़ता है, वहां से वहां की महिला ने जो है नवजात शिशु को यहां पे जन्म दिया था, बच्ची को, और उसके बाद अचानक रात को ये जन्म हुआ था। फिर सुबह जब वो अपना खाट पलंग पे सो रही थी तो अचानक कोई महिला आई और बच्चे को उठा के चलती बनी। उसके बाद जब उसको पता चला कि बच्चा अचानक गायब हो गया, पुलिस को सूचना दी गई, तो जिला अस्पताल में अचानक हड़कंप मच गया। सीएमएस जो है दौड़ती नजर आई और पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज को जो है पूरा जांचा गया, लेकिन अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन तो जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े थे, जब सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त नहीं किया गया तो ये जांच कैसे आगे बढ़ सकती है? जैसे जी मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो महिला अस्पताल है यहाँ के सारे कैमरे खराब पड़े हुए थे। फिर बाद में ये जो गेट के कैमरे लगे हुए थे उनमें उसकी जांच पड़ताल करी गई कि वो महिला कब निकली और कैसे निकली, पूरा फुटेज उस चीज को चेक करा गया, लेकिन उसके बाद भी इस चीज की बिल्कुल कोई चीज सामने नहीं आई कि ये महिला कहाँ से आई थी और किधर निकल गई। अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्टाफ महिला थी या बाहर की महिला थी, स्टाफ से इस बाबत बात की गई है? दीपक आवाज नहीं आ रही है, जैसे क्या करें? जानना चाहूंगा कि ये बात जो है वो स्टाफ को पता चल चुकी है, स्टाफ की कोई महिला थी या फिर बाहर से महिला आई थी, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिली अभी तक? जैसे मैं आपको बता दूं, जब सीएमएस से बात करी गई तो सीएमएस ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं इस चीज को जांच पड़ताल कर रही हूं, और जब उनसे पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज कब से खराब है तो उन्होंने कहा इस बात की जानकारी भी नहीं है मुझे। तो सीएमएस का क्या काम होता है, जिस तरीके से सीएमएस को जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरीके से अपनी कार्रवाई का निर्वहन करते हैं, एक सवालिया निशान है। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसे लेकर क्या सीएमओ ने कोई प्रतिक्रिया दी है? नहीं, सीएमओ अभी भी मैं यही जिला अस्पताल में मौजूद हूं और सीएमओ से जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, लेकिन सीएमओ का कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जिस चीज का जैसा कि आपने बताया है कि इसमें सारी गलती सीएमएस की निकलती है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, उसके पास पूरी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने अपने जो डिपार्टमेंट है उस चीज के सीसीटीवी कैमरे फुटेज हो या अस्पताल की कोई और कमी हो वो उसको ठीक करे, उस चीज को दुरुस्त करे, लेकिन सीएमएस ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और उस चीज का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा। अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया सामने आया इस जांच को लेकर? दीपक, मैं बता दूं आपको, पुलिस प्रशासन का भी कोई रवैया सामने नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन कहने से हिचकिचा रही है, खुद आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और उनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो वो यही कह रहे हैं कि अभी हम आपके कैमरे पे नहीं बता पाएंगे, हम जांच कर ले उसके बाद ही कुछ आगे की बात बता पाएंगे। दीपक, वारदातें हो जाती है और जांच की बात पुलिस प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य महकमा, लगातार जानकारी की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके की खबरें उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रही, जिस तरीके का इतिहास है वो अब वर्तमान भी बनता जा रहा है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार कई तरीके के दावे कर चुकी है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो सुधर चुका है, स्वास्थ्य महकमा सुधर चुका है, लेकिन अस्पतालों की जो हालत है वो सुधरने पे नहीं आ रही।